COPD और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज लंग्स में होने वाली बहुत सारी बीमारियों का एक कॉम्बिनेशन है। पहले तो इसका नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, तो पहले मैं इसके नाम का मतलब आपको बताती हूँ। क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब एक ऐसी डिजीज जिसको कि पलने में या होने में काफ़ी समय लगता है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है पूरी तरह से डिवेलप होने में, इसलिए इसको कहते हैं क्रोनिक। नेक्स्ट आता है ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन आना, यानी कि जो एयर का पैसेज होता है नोज से लेकर के लंग्स तक का, जब उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाती है या जब ये पैसेज जो है वो ब्लॉक हो जाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव। और पल्मोनरी डिजीज का मतलब लंग्स में होने वाली डिजीजेस। COPD के इंडिया में लगभग 10 मिलियन केसेस हर साल रिकॉर्ड किए जाते हैं और पूरी दुनिया में बीमारियों की वजह से होने वाली डेथ के मुकाबले में COPD तीसरे नंबर पे आता है। तो COPD का जो मेन कॉज होता है वो होता है स्मोकिंग। मैंने अपनी पहले भी वीडियोस में बताया है कि स्मोकिंग में लगभग 7000 टाइप के डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जो कि आपके लंग्स की लाइनिंग को ख़राब कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से COPD होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ज़रूरी ही नहीं है कि सिर्फ स्मोकर्स को ही COPD हो, इनफैक्ट ये नॉन स्मोकर्स को भी हो सकता है, स्पेशली उन लोगों को जो कि बहुत ज़्यादा पल्यूटेड एयर को ब्रीद करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पल्यूटेड एनवायरनमेंट में जो रहते हैं, उन्हें भी COPD होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। मोस्टली COPD जो रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड होता है उन लोगों में जो इनकी एज जो है वो 40 साल के ऊपर हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने अभी बताया था कि ये क्रोनिक डिजीज़ है, यानी कि इसको डेवलप होने में काफ़ी टाइम लगता है। हालांकि ये यंग एज में भी डेवलप कर जाती है, लेकिन ये बहुत रेयर कंडीशंस में होता है कि जब यंग एज पे ही COPD हो जाए। और जिन यंग लोगों में COPD के केसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनमें कि जेनेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जब α1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तब ऐसा होता है कि जो सर्टन ग्रुप ऑफ डिजीजेज होते हैं और COPD के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनमें से सबसे पहले जो आता है वो आता है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा का मतलब होता है कि जब एयर सैक्स या एल्वोलाई की जो वॉल्स होती हैं उनमें होल्स हो जाते हैं या वो हार्म हो जाती हैं और ब्रेथ जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज होने लग जाती है और प्रॉपरली ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, इस कंडीशन को हम एम्फाइसीमा कहते हैं, जिसके चांसेस COPD के टाइम पे बहुत बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो COPD ग्रुप में इंक्लूडेड होती है डिजीज वो होती है अस्थमा। अस्थमा एक बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल प्रॉब्लम है और ये COPD के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसमें कि आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। नेक्स्ट जो डिजीज इसमें इंक्लूडेड होती है वो होती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का मतलब है बहुत ही ज़्यादा पुराने समय से या बहुत लंबे समय से जब आपके ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में, यानी कि वो ट्यूब्स जो कि ऑक्सीजन को और गैसेस को आपके लंग्स तक पहुंचाती हैं, जब उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, तभी भी ये कंट्रीब्यूट करती है टू COPD। बहुत ही ज़्यादा जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिनसे आप COPD को रिकग्नाइज कर सकते हो, तो इसमें आती है वीजिंग, कफिंग अगर आपको 3 महीने या उससे ज़्यादा समय से है तो ये COPD का एक साइन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप काफ़ी समय से वीजिंग आपको हो रही, वीजिंग का मतलब सांस लेते टाइम अगर आवाज़ आ रही है नोज़ में से, तो इसे हम वीजिंग कहते हैं। और ये सारे ही कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि हमें COPD के टाइम पे देखने को मिलते हैं। अब बात ये आती है कि आप किस तरह से COPD को ट्रीट कर सकते हो, तो कई सारी मेडिकेशंस के थ्रू, थेरेपीज के थ्रू और साथ ही साथ सेल्फ केयर के थ्रू आप COPD को कई हद तक रिड्यूस कर सकते हो। COPD कम्प्लीटली क्योरेबल तो नहीं है, यानी कि अगर आपको एक बार COPD हो गई है तो आप पूरी तरह से तो ठीक इसे नहीं कर सकते हो, पर हाँ इसकी एफिशिएंसी को आप कई हद तक कम कर सकते हो अगर आप कुछ प्रिस्क्रिप्टेड मेडिकेशंस लेते हो, सेल्फ केयर करते हो। सेल्फ केयर में कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ आती हैं, जिनसे कि आप अपने लंग्स को कई हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स एक स्ट्रॉन्ग विल पावर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि स्मोकिंग इसका मेन कारण है और जब तक आप स्मोकिंग को क्विट नहीं करोगे तब तक ये जो आपकी प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो सकती है। तो स्मोकिंग को क्विट ज़रूर करिएगा और किस तरह से आप अपने लंग्स को डिटॉक्सिफाई कर सकते हो, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, ऊपर आई बटन में दिया है, जिसको आप जा करके चेक कर सकते हो।
अगर आपको हमारी अभी तक की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक बटन को जरूर हिट करिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए और भी ज्यादा बेहतरीन वीडियोस बनाने के लिए। पाइरोमीटर एक डिवाइस होता है जो आपको हेल्प कर सकता है टेस्ट करने में, कि डॉक्टर स्पेशली टेस्ट करते हैं पाइरोमीटर के जरिए कि आपको COPD है या नहीं। इसके अलावा 6 मिनट वॉक टेस्ट, यानी कि 6 MWT, 6 मिनट वॉक टेस्ट एक ऐसी फिजिकल एक्टिविटी का ये टेस्ट है जिससे कि आपके ऑक्सीजन डिसैचुरेशन का लेवल पता लग सकता है और ये पता लगाया जा सकता है कि आपको COPD है या नहीं है। एक और जो बहुत ही ज्यादा यूजुअल तरीका है पहचानने का कि आपको कोई लंग डिजीज है या नहीं, वो ये है कि जो लंग डिजीज जब आपको होती है तो उसमें म्यूकस का सिक्रीशन जो होता है वो कई हद तक बढ़ जाता है, और जो नॉर्मली म्यूकस होता है वो वाइट कलर या कलरलेस होता है या फिर लाइट ग्रेश कलर का होता है, पर जब आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है या कोई लंग डिसऑर्डर है उस टाइम पे जो म्यूकस का कलर होता है वो पेल येलो कलर का होता है। तो इस तरह से भी आप रिकग्नाइज कर सकते हो कि आपको कोई लंग डिसऑर्डर है या नहीं है। तो ये था COPD और उनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करिएगा, साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आकर के मुझसे पूछ सकते हो, और साथ ही साथ मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आकर के फॉलो कर सकते हो, मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो। सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।